मध्य प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वही किया जो उनकी छवि है, एक मिलनसार नेता की। शिवराज ने अपने विरोधी और निवर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दिलचस्प बात ये रही कि शिवराज के नेतृत्व में ही बीजेपी ने न केवल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में बड़ा सेंध लगाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ लिया, बल्कि कमलनाथ की सरकार भी गिरा दी। कमलनाथ ने अपनी सरकार बचाने की आखिरी कोशिशों में असफल होने के बाद शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें बीते कुछ दिनों से जारी सियासी संग्राम में बीजेपी की रणनीति के सामने घुटने टेकने पड़े और बहुमत प्रशिक्षण से पहले ही सत्ता छोड़नी पड़ी। उन्होंने राज्यपाल लालजी टंडन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का पत्र सौंपा। इधर शिवराज मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी कमलनाथ से छीनने के बाद उनके घर पहुंच गए। वो कमलनाथ के घर कुछ देर रुके, बातचीत की और फिर निकल गए। गौरतलब है कि कमलनाथ अब मध्य प्रदेश के केयरटेकर सीएम है। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नेता का चयन होगा जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। न्यूज डेस्क।